story time. मैं रौनक हूँ और मैं चंचल और हम कहानियों की रंगीन दुनिया में रहते हैं। चलो हमारे साथ। Dear children, how would you feel if you were kept in a cage? It is obvious कि हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और ये हमने बहुत बेहतर तरीके से महसूस किया है during the lockdown. The lockdown has taught us how caged animals might feel trapped in a single place. आज हम ऐसी ही एक स्टोरी सुनेंगे, द स्वीट नाइटिंगेल। वंस देयर लिव्ड अ नाइटिंगेल इन अ गार्डन। इट सैंग सो ब्यूटीफुली। वो इतना मेलोडियस गाती थी कि जो भी लोग इसके गाने को सुनते वो इसके सॉन्ग में ही खो जाते थे। उसे अपने आसपास की दुनिया की खबर ही नहीं रहती थी। उन्हें ऐसा लगता था that there was nothing in the world as sweet as this song of the nightingale. Once the emperor went to the garden and coincidentally he heard the sweet voice of the nightingale. He was surprised because he had never heard such a sweet voice. The emperor said to the courtiers, "Itni sweet voice ki nightingale to sirf hamare court mein honi chahiye." So he ordered his courtiers, "Go and bring the nightingale to the court." Two of his courtiers went and they caught the nightingale in a cage. The emperor became very happy. He said, "I wish ki ye nightingale mere liye aur sirf mere courtiers ke liye roz gana gaaye aur hum uske song ko enjoy karein." Now the nightingale started singing daily for the emperor and his courtiers. नाइटिंगेल का गाना इतना स्वीट एंड मेलोडियस था कि जब भी राजा उसके सॉन्ग को सुनता उसकी आंखों में आंसू और होंठों पर मुस्कान आ जाती। सो द एम्परर डिसाइडेड दैट ही वुड नॉट लेट द नाइटिंगेल गो एनीवेयर। वो नाइटिंगेल को केज में अपने पास ही रखेगा। And only twice in a week he would let it free. The nightingale kept on singing and entertaining the emperor and his courtiers. Nightingale gana gaati aur raja use sunkar khush ho jaate. But one day one of the emperor's friends visited the court. और जानते हो बच्चों, वह एम्परर के लिए एक गिफ्ट भी लाया था और ये गिफ्ट थी अ सिंगिंग क्लॉक, जिससे नाइटिंगेल की आवाज निकलती थी। ऑल द कोर्टियर्स गैदर्ड टू सी दिस अमेजिंग क्लॉक। शोइंग द क्लॉक The emperor's friend said, "देखो, यह कितना अच्छा invention है। If you wind it up, it can sing like a nightingale." सभी क्लॉक को पाकर खुश थे। अब राजा को जब भी nightingale की आवाज सुननी होती, he wound up the clock and listened to the song of the nightingale. धीरे धीरे एम्परर रियल नाइटिंगेल को भूल गया और इसी बीच नाइटिंगेल भी वहां से उड़ गई।
Days passed by. The clock continued to sing. But one day, किसी दरबारी ने क्लॉक की चाबी को इतना टाइटली घुमा दिया कि वह टूट गई और क्लॉक ने गाना गाना बंद कर दिया। सभी लोगों ने उसे यूजलेस समझकर स्टोर रूम में डाल दिया। इधर एम्परर को नाइटिंगेल का सॉन्ग सुनने की इतनी आदत पड़ गई थी कि अब जबकि वो सॉन्ग नहीं सुन पा रहा था, धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब रहने लगी। वह बिस्तर पर ही लेटा रहता एंड ही वॉज टेरिबली मिसिंग द सॉन्ग ऑफ द नाइटिंगेल। ही वॉन्टेड टू लिसन टू इट्स सॉन्ग बट नाइटिंगेल तो वहां पर थी ही नहीं। One day suddenly the emperor heard the sweet voice of the nightingale. वह अपनी बीमारी को भूल गया और झट से अपने बेड से उठ गया। उसने देखा कि गार्डन में फिर से वही नाइटिंगेल वापस आ गई है एंड इट वॉज सिंगिंग इट्स सॉन्ग। द किंग बिकेम वेरी हैप्पी And gradually, the emperor started recovering. लेकिन एक दिन उस नाइटेंगेल ने फिर से अपना गाना गाना बंद कर दिया। एम्परर परेशान हो गया और वह बोला, Oh no, नाइटेंगेल, don't stop singing. Your song is like a medicine for me. तुम यही रह जाओ, मेरे पास ही रहो. The nightingale said. Sure, my majesty, I will stay with you and never leave you again. But promise me that you would never keep me in cage. Emperor ne nightingale ki baat maan li. Now, nightingale started singing daily for the emperor. Emperor rose nightingale ka song sunta aur dheere dheere ek din वह पूरी तरह से फिट एंड हेल्दी हो गया। तो देखा बच्चों, नेचर ने हर क्रीचर को एक स्पेशियलिटी के साथ क्रिएट किया है और हमें उनके इस फ्रीडम में कभी भी इंटरफियर नहीं करना चाहिए और तभी हम नेचर की ब्यूटी को फुली एंजॉय कर सकते हैं।